नमस्कार। हर परिवार के लिए ये रूल होने बहुत जरूरी है। अगर आप फैमिली में रहते हो, अपने भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ में रहते हो, एक अच्छा परिवार में आप रहते हो, अगर आपको एक अच्छे परिवार की तरह रहना है, अच्छी बॉन्डिंग रखनी है, अच्छा सबके बीच में अच्छा प्यार रखना है, अच्छा स्नेह रखनी है, अच्छी भावनाएं रखनी है, तो ये रूल आपको अपनाने होंगे, वरना आपका परिवार बिखरने से नहीं बचेगा। कभी भी बिखर सकता है, और नहीं बिखरेगा, फिर भी आप साथ रहोगे तो आपके अंदर गुड फेथ नहीं रहेगा, अच्छी भावनाएं नहीं रहेगी, मन ही मन आपको एक दूसरे से नफरत होती रहेगी। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप फैमिली में रह रहे हो और अगर आपको एक अच्छे परिवार की तरह रहना है, एक अच्छे बिहेवियर की तरह रहना है, एक अच्छी फैमिली के रूप में अगर आपको रहना हो, तो ये रूल्स आपको अपनाने होंगे। नंबर वन, स्वार्थ की भावना मत आने देना। अगर आप परिवार के रूप में रहते हो तो आप किसी के भी सदस्य के मन में स्वार्थ सेल्फिश की भावना मत आने देना। अगर एक भी सदस्य के मन में अगर सेल्फिश की भावना आ गई तो आपका परिवार टूट जाएगा, आपका परिवार बिखर जाएगा। आप संयुक्त परिवार में रहे हो, या आप मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, या आप अपने भाई बहन के सबके साथ रह रहे हो, अगर आपके मन में या किसी और सदस्य के मन में स्वार्थ की भावना आई तो समझ लेना कि वह परिवार टूटने से कोई नहीं रोक सके, क्योंकि स्वार्थ की भावना आने से परिवार में लड़ाइयां होती है, परिवार में झगड़े होते हैं। डांट फटकार को अपमान मत माने। अगर आपके मम्मी पापा अगर आपको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो उसको एक अपमान, एक गिल्टी के रूप में मत समझे। हो सकता है कि आपका बड़ा भाई आपको किसी बात को लेकर कुछ कह दे, तो आप अपने आप को अपमान की भावना मत समझे। आपके अगर बड़ी बहन भी अगर आपको कुछ कह दे, अगर आपने कुछ गलत किया हो और अगर आप उसको अपमान के रूप में लोगे ना, तो आपका परिवार बिखर जाएगा। बड़ों की डांट को आप अपमान के रूप में यूं मत समझे कि यार आपके भाई बहनों के बीच में अगर आपको डांट दिया, अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को क्यों डांटा, आपने मन ही मन अपमान भर लिया, गिल्टी महसूस कर ली, तो आपका परिवार टूट जाए। एक स्नेह, एक प्रेम की भावना आपके परिवार के बीच में नहीं रहेगी। तो ध्यान रखना कि बड़े अगर डांट फटकार करें ना आपको, तो अपमान मत समझे, प्यार समझे। हो सकता ये डेफिनेटली वो आपके अच्छे के लिए कह रहे, वो आपके गलत के लिए नहीं कह रहे। घर की बात बाहर न करें। अपने घर के अंदर कुछ भी बात हो रही ना, बाहर पड़ोसियों के आसपास को ना बताएं। अगर आप अपनी बात अगर बात दूसरों को बताओगे तो दूसरे आपके घर पर हंसेंगे, दूसरे आपके घर की आलोचना करेंगे, दूसरे आपका अपमान करेंगे। आपके घर के अंदर की बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए। कोई भी बात हो रही है तो उसको बाहर मत आने दें, अंदर ही उसको सोल्व करें। कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप सब मिल बैठ कर उसको सुलझाएं। ये नहीं बाहर वाले किसी को बुला रहे हो और आप वो आपको समझा रहा है और फिर अगर वो दूसरों को बताएगा तो आपके घर की तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो कुछ भी बात हो, कुछ भी हो, तो बाहर ना जाने, घर की बात घर के अंदर रहने दें। कोई सदस्य कमजोर हो तो उसकी मदद अवश्य करें। एक बात ध्यान रखना, सभी कमाने वाले सब बराबर नहीं होते घर में, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। तो लगता है कि आपका छोटा भाई कम कमा रहा है, आप अच्छी सैलरी है, आप अच्छे वेल सेटल हो, तो आप अपने छोटे भाई की मदद कर सकते हो। आप एक अच्छे संपन्न हो, आपकी बहन कमजोर है, तो आप अपनी बहन की मदद कर सकते हो। कोई सदस्य अगर परिवार में कमजोर हो तो उस सदस्य की पहले मदद करना, उसके बाद अपने आस पड़ोस और समाज की मदद करना। पहले अपने भाई, पहले अपनी बहन और पहले अपने को ज्यादा मदद करना। ये नहीं कि आपका भाई कमजोर है और आप रिश्तेदार पड़ोसियों की मदद कर रहे हो, आपकी बहन कमजोर है आप रिश्तेदार और पड़ोसियों की मदद कर रहे हो, ऐसा मत करना। पहले अपनों की मदद करना, पहले अपने परिवार की मदद करना। फैमिली टाइम में नो मोबाइल। ध्यान रखना आप सभी परिवार में बैठे हो, कुछ ऐसा टाइम रखना कि उस वक्त कोई मोबाइल यूज नहीं करे। आजकल सब मोबाइल में डूबे रहते हैं। परिवार में बैठे हो, दो भाई आपस में पास बैठे तो भी बस मोबाइल में खेल रहे हैं, दो बहनें या पूरा परिवार बैठा और सब एक एक करके मोबाइल करके बैठे, तो ऐसा ना करें। परिवार में कुछ एक समय निश्चित करें, बस उस समय कोई मोबाइल यूज नहीं करें और सब हंसी मजाक और आपस में शेयरिंग करें, अपना दुख दर्द शेयर करें, आपस में बातें करें। हर सदस्य ले अपनी जिम्मेदारी, हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी, किसी एक सदस्य पर ज्यादा भार न डालें। बस आपको काम किया नहीं यार भैया कर लेगा, आपको काम नहीं यार बहन कर लेगी, क्यों?
हर सदस्य, अगर आप परिवार में रहे तो हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपनी जिम्मेदारी के रूप में काम करना होगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो दूसरे कौन समझेंगे? हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी लेना होगा। साथ में बैठकर खाना खाए, कुछ कुछ तो ऐसा रखें कि सुबह का नहीं हो तो शाम का खाना सभी जने परिवार के साथ में बैठ के खाए। सभी जने परिवार में साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो परिवार में बॉन्डिंग बढ़ती है, परिवार में आपस में मेल जोल बढ़ता है और परिवार में आपस में प्यार बढ़ता है। तो हर परिवार के लिए ये गोल्डन रूल होने बहुत जरूरी है। इससे आपके अंदर प्रेम स्नेह की भावना बढ़ेगी, एक आपके अंदर एक प्यार की बॉन्डिंग बढ़ेगी।